हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उदासीनीय अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो अम्ल है वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड, धातु होता है अपना M प्लस O2। जो अपना धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, MO2 क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड। और ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या रिएक्शन होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है यहाँ समीकरण में, और क्या बना रहा है, लवण और जल। यहाँ पर हमने धातु कौन सा ले रखा है, धातु यहाँ पर है, धातु का ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो समीकरण है इसमें आके देखते हैं क्या क्या बनता है। लवण जो है अपना धातु का ऑक्साइड होगा और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद में जो अधात्विक ऑक्साइड है उनके बारे में। अधात्विक ऑक्साइड जो अधातु होंगे उनके ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे अधातु कौन कौन से हैं अपने पास, मेटल को छोड़ के आवर्त सारणी में और सब मेटल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अधातु की श्रेणी में आएंगे। जैसे अपना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्षार हैं अपने वो लगभग अधातु हैं। तो यहाँ जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो कौन सी प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं, उस प्रश्न है जो आप हल कीजिएगा। जैसे पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, आप जानते हो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये तीसरा प्रश्न है, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं कि सभी अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक जो होते हैं उनमें क्या समानताएं होती है। हम जानते हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन युक्त जो सभी यौगिक होंगे वो अम्लीय होंगे। उसके बाद में चलते हैं आगे कि जल में जो अम्ल है उसका अपघटन कैसे होगा, चालन कैसे होगा। यदि जल में अम्ल को घोला जाए तो किस प्रकार चालन करेगा, क्षार को घोला जाए तो चालन ज़्यादा कौन करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्र है अपना, उसमें बैटरी से जोड़कर उसमें थोड़ा सा तनु HCl हमें डाल देते हैं और उसके बाद में ये अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराते हैं और अलग अलग फ्रैक्शन करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ग्लूकोज एल्कोहल, इन सभी के साथ जब वो पिछली अभिक्रिया दोहराते हैं तो बल्ब जो जला हुआ है, देखेंगे चित्र में ये जो बल्ब है ये किस प्रकार जलता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो हम विलयन डालेंगे, विलयन का डालेंगे, ये जो विलयन है तनुकृत विलयन, इसमें जो अम्ल है वो तो H+ आयन देगा। अम्ल कौन सी आयन देगा, H+।
और जो क्षार है वो आयन देगा अपनी H3O। H3O को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो बल्ब कितनी तेजी से जलेगा यहाँ पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जितना ज़्यादा यहाँ वियोजित होगा कोई भी पदार्थ और चालन होगा विद्युत का, उतनी ही तेजी से ये बल्ब यहाँ जलेगा। कोई भी यौगिक जो इसमें घुलेगा कितनी जल्दी घुलता है, और उसके आयन कितनी जल्दी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं, उतना ही ज़्यादा बल्ब जलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो विद्युत धारा कहलाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है? यदि जलीय विलयन में हम अम्ल को घोलें और क्षार को घोलें तो क्या क्या हमको रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया आपको HCl गैस का निर्माण। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो गैस कैसे बनती है? तो ये एक प्रखनली है, इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन है और उसमें H2SO4 सांद्र वाला, कौन सा? सांद्र सांद्र H2SO4 डालते हैं, तो जो अभिक्रिया होती है वो हम देखेंगे। जो H2SO4 है, क्या है? H2SO4 प्लस NaCl, क्या बनेगा? यहाँ SO4 माइनस है और H2 प्लस में है, और यहाँ ये Cl माइनस है और ये प्लस है, तो ये Na2SO4 बन जाएगा और साथ में जो HCl है वो निकल जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्शन को पूरी करने के लिए हम जो यौगिक है उसको तोड़ कर देख लेते हैं कि कौन सा यौगिक कौन से मूलकों में टूटेगा, उसी आधार पर हम रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो HCl है ये जल में घुल रहा है, तो क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम जो आयन है वो H3O+ से नोट किया जाता है, और जो हाइड्रोजन आयन को सदैव H+। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये H+ या हाइड्रोनियन आयन के रूप में ही पाया जाता है। जल में घुलकर H+ क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। इस अभिक्रिया के अन्य उदाहरण ये हैं। NaOH को जल में घोलेंगे तो सोडियम प्लस निकल जाएगा, KOH को घोलेंगे तो K+ निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे तो Mg+2 निकल जाएगा, और ये हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं वो तो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन देते हैं, और जो क्षारक हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। तो जो क्षार होते हैं, सारे के सारे क्षार, वो जल में घुलनशील होते हैं, और जो क्षार का स्वाद होता है हम जानते हैं वो कड़वा होता है। उसके बाद में अम्ल और क्षारक जो मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ लवण का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया देखिए, यहाँ अम्ल और क्षारक मिलके क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को हमने कौन सी अभिक्रिया नाम दिया था? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलते हैं आगे।
उसके बाद में हम देखते हैं तनुकरण क्या होता है। तनुकरण होता क्या है? सबसे पहले हमने ये नाम सुना होगा कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र से क्या अभिप्राय है? उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास जल है, तो जल में एक तो हम नमक की मात्रा कम डालें, जैसे एक गिलास जो जल है उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया हमने, और दूसरे गिलास में हमने 5 चम्मच नमक डाल दिया, तो जो प्रति घन मीटर में NaCl की जो सांद्रता हम नापेंगे, सांद्रता किस में नापेंगे? प्रति घन मीटर में। तो कौन से वाले में ज़्यादा आएगी? जिसमें हमने 5 चम्मच डाली है उसमें। तो तनुकरण का मतलब है कि जिसमें विलेय की जो सांद्रता है वो कम है। किसकी सांद्रता? विलेय की सांद्रता। इसमें ये देखेंगे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी आती है, इस क्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। क्या अभिप्राय है इस बात से कि जल में या तो अम्ल मिला दें और या फिर क्षारक मिला दें? तो अम्ल और क्षार जल में घुलेगा, जल में घुलने से उसकी जो सांद्रता है उसमें कमी आएगी, और प्रति इकाई आयतन में जो यहाँ पर हम सांद्रता नापेंगे जल की, वो प्रति इकाई आयतन में नापेंगे और इसमें जो कमी आएगी इसको हम तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जल में हम या तो अम्ल मिलाएं या फिर क्षार मिलाएं, ये दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लीजिएगा, यदि कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो इसमें से तो कमेंट करके बताइएगा, आपको इनका उत्तर अगले वीडियो में हम उपलब्ध करवा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।